सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीवो के न्यू स्मार्टफोन लॉन्च के बारे में। वीवो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है वीवो IQ Pro। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत कि इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया गया है और इसकी डिस्प्ले 6.41 इंच की दी गई है और इसमें वाटर ड्रॉप नॉच और बैटरी 4500 mAh की दी गई है। तो वीवो IQ Pro 4G वेरिएंट की 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 3198 चीनी युआन यानी करीब 32,300 इंडियन रुपीज़ है और 12GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 3498 चीनी युआन यानी करीब 35,300 इंडियन रुपीज़ है, जबकि वीवो IQ Pro 5G एडिशन की प्राइस 8GB रैम और 128GB वाले मॉडल की प्राइस 3,798 चीनी युआन है जो कि करीब 38,400 इंडियन रुपीज़ होगी। और फ़ोन के 5G वेरिएंट की 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 3,998 चीनी युआन यानी करीब 40,400 इंडियन रुपीज़ होगी और 12GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 4,098 चीनी युआन यानी करीब 41,400 इंडियन रुपीज़ होगी। वीवो ने स्मार्टफोन के 3 कलर वेरिएंट लॉन्च किए हैं। IQ Pro के 4G वेरिएंट की सेल 29 अगस्त से स्टार्ट होगी, वहीं 5G वेरिएंट की सेल 2 सितंबर से स्टार्ट होगी। फिलहाल इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ग्लोबली इस फ़ोन को कब तक लॉन्च कराया जाएगा। अब बात करते हैं वीवो IQ Pro 4G और वीवो IQ Pro 5G एडिशन के स्पेसिफिकेशंस की। तो डुअल सिम नैनो वाले वीवो IQ Pro 5G एडिशन के एक स्लॉट में 5G कनेक्टिविटी और दूसरे में 4G LTE का सपोर्ट है। दूसरी ओर इसके 4G वेरिएंट के दोनों स्लॉट में 4G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के अलावा इसमें 5G वेरिएंट और 4G मॉडल के स्पेसिफिकेशन एक जैसे ही हैं। फोन एंड्रॉयड पाई बेस्ड फन टच OS 9 पर रन करता है। इसमें 6.41 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 1080p x 2340p दिया गया है। इस फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फ़ोन में ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया गया है और रैम के हमने आपको मॉडल बता ही दिए, 8GB 12GB मॉडल्स हैं रैम के। इसके अलावा फ़ोन में बैटरी 4500 mAh की दी गई है और यह फ़ोन 44W फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन में 3 रियर कैमरे दिए गए हैं, एक कैमरा जो कि प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का और एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फ और ऑडियो कॉलिंग के लिए फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल वाला फ्रंट कैमरा दिया गया है और इस फ़ोन का वेट 215 ग्राम है। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।